ये जो टर्म एंटोफोरेसिस है ये दो वर्ड से मिलके बना है, एंटो एंटोफोरेसिस या कैथोड इलेक्ट्रोड और दूसरा हो गया एनोड इलेक्ट्रोड। टेक्निक है, दिस टेक्निक इज नोन एज टेक्निक ऑफ आयन ट्रांसप्लेस किया गया है ड्रग, तो इसे हम कहेंगे एक्टिव और इसे कहेंगे डिस्पर्सिव। अब नेक्स्ट ये चार्ट की हम बात करें, ये चार्ट में क्या है, आयन के बारे में बताया गया है, पोलैरिटी के बारे में, सॉल्यूशन एंड पर्पस के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आयन का इस्तेमाल किया जाता है एंटोफोरेसिस में, तो जैसे कि एसिटेट है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, डेक्सामेथासोन है, आयोडीन है, लाइडोकेन है, ऐसे ढेर सारे हैं, तो उसके अलग अलग पोलैरिटी होते हैं। दैट मीन्स कि अगर ये सब के जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, जो भी केमिस्ट्री इसके होते हैं कि एसिटेट है, तो इसका अगर हम ये केमिस्ट्री अगर हम जाने तो उसमें क्या होता है कि उसके अलग अलग पोलैरिटीज होते हैं। हाँ, जैसे कि एसिटेट है तो वो किस फॉर्म में पाया जाता है, वो एसिटिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है, एसिटिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है, और इसके पास जो पोलैरिटी होता है वो नेगेटिव पोलैरिटी होता है। किस कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, कैल्शियम डिपॉजिट के कंडीशन में, मतलब कि जिसमें ये जहां पे कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा हो गया, हाँ, तो उस कंडीशन में हम एसिटेट का इस्तेमाल करेंगे। कैल्शियम का इस्तेमाल कब करेंगे, जिसके पास पोलैरिटी नेगेटिव होता है। कब इस्तेमाल करेंगे, मसल स्पैज्म की कंडीशन में करेंगे, अगर कोई स्कार टिश्यू हो गया, एडहेशन हो गया, हाँ, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे देखें, बर्साइटिस हो गया, टेंडिनाइटिस हो गया, तो उस कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करेंगे। डेक्सामेथासोन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेक्सामेथासोन है वो, इसका पोलैरिटी क्या होता है, नेगेटिव होता है। आयोडीन, आयोडीन कब इस्तेमाल करेंगे, जब स्कार टिश्यू हो या फिर एडहेशन हो, उस कंडीशन में। लाइडोकेन, लाइडोकेन हम एनाल्जेसिक के कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे, फॉर एग्जांपल के ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, तो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के कंडीशन में हम क्या करेंगे, लाइडोकेन का इस्तेमाल करेंगे। इसका पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव है। किस फॉर्म में पाया जाता है, किस सॉल्यूशन फॉर्म में पाया जाता है, 4% लाइडोकेन के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये सब चीज जो भी है वो सब चार्ट है। यहाँ पे ये भी देखें कि टैप वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता है एंटोफोरेसिस में। जो टैप वाटर है इसका पोलैरिटी क्या होता है, इसका पोलैरिटी होता ही नहीं है ना, जो टैप वाटर है इसका पोलैरिटी नहीं होता है। किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है, हाइपर हाइड्रोसिस के कंडीशन में। हाइपर हाइड्रोसिस का मतलब होता है कि एक्सेस स्वेटिंग या तो पाम में एक्सेस स्वेटिंग होना, या फिर सोल में एक्सेस स्वेटिंग होना, या फिर या आर्मपेट में एक्सेस स्वेटिंग होना, तो दैट इज द हाइपर हाइड्रोसिस। तो हाइपर हाइड्रोसिस कंडीशन में हम टैप वाटर का भी इस्तेमाल करेंगे एंटोफोरेसिस में। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम सेफ करंट डेंसिटी, जिसे MSCD कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो मैक्सिमम सेफ करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि जो कैथोड और जो एनोड इलेक्ट्रोड होते हैं ना, तो वहां पे हम कितना मैक्सिमम सेफ करंट हम दें ताकि जो पेशेंट है, पेशेंट को कोई खतरा ना हो, पेशेंट सेफ फील करे या फिर उसको सेफ, वो सेफ्टी में रहे। तो जो कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड है, तो उसमें हम कितना करंट हम कितना दे सकते हैं, तो उसी को कह रहे हैं मैक्सिमम सेफ करंट डेंसिटी। तो जो कैथोड है, कैथोड दैट इज कि जो नेगेटिव पोलैरिटी का जो इलेक्ट्रोड है, इसमें हम कितना करंट डेंसिटी देंगे, 0.5 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एनोड है उसमें 1 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे। अब यहां पे ये देखें कि जो कैथोड है, कैथोड में हम कम करंट डेंसिटी दे रहे हैं, और जो एनोड है इसमें हम ज्यादा करंट दे रहे हैं, मतलब कि इन कंपेरिजन ऑफ एनोड जो कैथोड है, तो कैथोड में हम कम करंट डेंसिटी दे रहे हैं। ऐसा क्यों है, यहाँ पे ये भी चीज देखें कि इट इज फाउंड दैट नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड इज मोर इरिटेटिंग देन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वो बहुत ज्यादा इरिटेट कॉज करता है इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ एनोड। ऐसा होता क्यों है, और ऐसा क्यों होता है कि हम करंट डेंसिटी कैथोड में कम दे रहे हैं, एनोड में ज्यादा दे रहे हैं, कैथोड में कम क्यों दे रहे हैं भाई, इसके पीछे भी रीजन है। अब यहां पे आप ये देखें कि जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले आप ये देखें कि फिजिक्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और करंट का क्या रिलेशन है, वो सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, और जो करंट जो फ्लो करता है उसके इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव पोलैरिटी से पॉजिटिव पोलैरिटी जाता है, और जो करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, दैट मींस कि वो पॉजिटिव पोलैरिटी से नेगेटिव पोलैरिटी में जाता है, ठीक। अब यहां पे जो कैथोड होता है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको क्या किया जा रहा है कि इट शुड बी लार्जर देन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू लोअर द करंट डेंसिटी ऑन नेगेटिव पैड। देखे यहां पे हम पहले क्या बताए थे कि जो कैथोड होता है वो इरिटेशन कॉज करता है,
ठीक है, वो इरिटेशन कॉज करता है इन कंपैरिजन टू द एनोड। तो जब इरिटेशन कॉज करता है तो क्यों करता है ये भी चीज हम बता देते हैं। यहाँ पे देखें, ये डायग्राम में हम दिखा देते हैं, देखिए ये होता क्या है कि ये है कैथोड, दोनों ही कैथोड का ही इलेक्ट्रोड है। ठीक, तो जो कैथोड है यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसका जो एरिया है, यहाँ पे इसका जो एरिया है देखें, और इसका जो एरिया है, इसके पास ज्यादा एरिया है, इसके पास कम एरिया है। तो यहाँ पे हम करंट जब हम पास करते हैं, ये एक कैथोड है और यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पे एनोड है, कैथोड और ये एनोड। ठीक, तो जब हम करंट जब हम पास करते हैं, सॉरी मतलब कि जब हम करंट देते हैं तो क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, कैथोड से एनोड जाएगा ना। तो यहां पे क्या होता है कि जब एरिया जब कम है एरिया तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगा। एरिया कम है तो करंट डेंसिटी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा करंट डेंसिटी, एरिया कम होगा, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर जो कैथोड है, कैथोड को हम ये स्किन पे अगर हम रखते हैं, स्किन पे अगर हम रखते हैं और इसका जो एरिया है वो अगर कम होगा तो क्या होगा, करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा है वो ज्यादा है, एरिया कम है, इलेक्ट्रॉन ये करंट डेंसिटी ज्यादा है, एरिया कम है करंट डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे जो स्किन है, जो पेशेंट का जो स्किन है वहां पे इरिटेशन कॉज करेगा ना कि नहीं करेगा, करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हम कैथोड के एरिया को हम बढ़ा दे रहे हैं, कैथोड के एरिया को बढ़ा दे रहे हैं, तो करंट डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है यहाँ पे, है ना। जब कम हो जा रहा है तो यहाँ पे इरिटेशन कॉज नहीं करेगा, है। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि जो कैथोड है, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है वो उसका जो एरिया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो लार्ज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। क्यों लार्ज होना चाहिए, कि ताकि उसका जो करंट डेंसिटी है वो कम हो, और कम क्यों हो कि ताकि जो स्किन का जो पेशेंट का जो स्किन है वहां पे इरिटेशन कॉज ना करे। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे लिखा गया है, कहां लिखा गया है, यहाँ पे इसीलिए बताया गया है कि जो मैक्सिमम सेफ करंट डेंसिटी यहाँ पे कम दिया गया है, जो कैथोड है कैथोड के पास 0.5 और जो एनोड है एनोड के पास 1 मिली एम्पियर है। तो कैथोड का कम क्यों किया गया है, एनोड का कम, एनोड का ज्यादा क्यों किया गया है, अब पता चल गया। कैथोड क्यों इरिटेशन कॉज करता है, एनोड इरिटेशन कॉज नहीं करता है, क्यों पता चल गया, क्यों, क्योंकि जो कैथोड है, कैथोड क्या होता है, कैथोड के पास ज्यादा, यहाँ पे जो कैथोड है कैथोड के पास एरिया अगर हम स्मॉल रखेंगे तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगा, अगर एरिया हम ज्यादा रखेंगे तो करंट डेंसिटी कम होगा। इसीलिए जो कैथोड है तो कैथोड का जो एरिया है उसको हम बड़ा ही रखेंगे, लार्जर ही रखेंगे, ताकि वहां पे जो स्किन पेशेंट का जो स्किन है वहां पे इरिटेशन कॉज ना करे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम सेफ करंट इंटेंसिटी। इससे पहले क्या था, मैक्सिमम सेफ करंट डेंसिटी, अब क्या है, मैक्सिमम सेफ करंट इंटेंसिटी, जिसे MSCI कहते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ MSCD एंड सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड। दैट मींस कि ये कैसे हम जो करंट इंटेंसिटी है, हम कैसे एंडोफोरेसिस में जो करंट इंटेंसिटी है वो हम कैसे निकालेंगे, हम कितना इंटेंसिटी मेरे को देना है, तो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम सेफ करंट डेंसिटी इंटू जो सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है, जो सरफेस एरिया, जो इलेक्ट्रोड कितने साइज का है उसके हिसाब से हम इंटेंसिटी को हम देंगे। नेक्स्ट आता है डोजेस, क्या डोजेस होगा, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। जो इंटेंसिटी है उसको हम मिली एम्पियर में कर रहे हैं और जो ड्यूरेशन है दैट इज इन मिनट। तो ये क्या है, जो टिपिकल डोजेस, जो टिपिकल डोज होता है, इट शुड बी बिटवीन 40 to 80 मिली एम्पियर पर मिनट, सॉरी मिली एम्पियर मिनट। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है फॉर्मूला फॉर एंटोफोरेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंटोफोरेसिस, दैट मींस कि व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंट्रोड्यूस्ड होना चाहिए इन आवर बॉडी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एंटोफोरेसिस। तो दैट इज I into T into ECE, दैट इज I फॉर इंटेंसिटी ऑफ करंट दैट इज इन एम्पियर, T is time, that is in R, and ECE, ECE का मतलब क्या होता है, electrochemical equivalence of substance, समझे। फॉर्मूला क्या है, I into T into ECE, I that is intensity of current, T is the time, and ECE is electrochemical equivalence of substance। यहां पे एक न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, टू डिलीवर डेक्सामेथासोन ट्रांसडर्मली व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ करंट इंटेंसिटी यूजिंग एन एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑफ 6 cm².
यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम डेक्सामेथासोन को हम ट्रांसडर्मली डिलीवर करते हैं इनटू आवर स्किन तो क्या हमारे जो एंटीफोरेसिस का क्या मैक्सिमम सेफ करंट इंटेंसिटी होना चाहिए, क्या होगा मैक्सिमम सेफ करंट इंटेंसिटी अगर हम जो इलेक्ट्रोड है जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है उसका जो सर्फेस एरिया है वो 6 cm² रखे तो क्या होता है कि सर्फेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है 6 cm² है। जो डेक्सामेथासोन है यहाँ पे देखें जो डेक्सामेथासोन है दैट इज नेगेटिव तो ये कहाँ पे प्लेस होगा, ये कैथोड इलेक्ट्रोड के पास प्लेस होगा, कैथोड इलेक्ट्रोड पे ही ना प्लेस होगा। तो जो कैथोड इलेक्ट्रोड है तो कैथोड इलेक्ट्रोड का करंट डेंसिटी क्या था 0.5 mA/s था कि नहीं था। यहाँ पे जो मैक्सिमम सेफ करंट डेंसिटी क्या है, जो कैथोड है इसका 0.5 है और जो एनोड है इसका 1 है तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन का क्या है नेगेटिव पोलैरिटी है तो यहाँ पे कैथोड के ही कैथोड पे ही रखेंगे ना, कैथोड पे ही प्लेस करेंगे तो इसका जो करंट डेंसिटी क्या है 0.5 तो 0.5 को ही हम प्लेस करेंगे, 0.5 वैल्यू ही रखेंगे। तो वही चीज है कि जो डेक्सामेथासोन को हम ट्रांसडर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि उसका जो करंट डेंसिटी ऑफ कैथोड हो जाएगा वो क्या होगा 0.5 mA/cm². ठीक। अब क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम सेफ करंट डेंसिटी, तो मैक्सिमम सेफ करंट डेंसिटी सॉरी मैक्सिमम सेफ करंट इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम सेफ करंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम सेफ करंट डेंसिटी इंटू सर्फेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। यहाँ पे था कि नहीं था ना, यहाँ पे ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैक्सिमम सेफ करंट डेंसिटी इंटू सर्फेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, तो वही चीज है यहाँ पे। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा 3 mA आ जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल पे बेस्ड ये सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ लॉन्ग डज द ट्रीटमेंट नीड टू लास्ट टू कॉन्फर अ डोजेस ऑफ 60 mA/min अज्यूमिंग ट्रीटमेंट एट MSCI, मतलब ये कि कितना क्या डोजेस होगा, सॉरी क्या डोजेस नहीं कितना टाइम लगेगा वो ट्रीटमेंट करने में अगर हम डोज देते हैं 60 mA/min तो अज्यूमिंग ट्रीटमेंट एट MSCI, मतलब कि हम यहाँ पे इंटेंसिटी तो पहले से निकाल लिए हैं कि इंटेंसिटी क्या था उसमें 3 mA था, तो अगर हम 3 mA इंटेंसिटी देते हैं और डोजेस हम इतना देते हैं, देखें ध्यान दें डोजेस हम इतना दे रहे हैं और इंटेंसिटी हम 3 mA का दे रहे हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा ट्रीटमेंट करने में, कितना टाइम हमें लगना चाहिए ट्रीटमेंट करने में। तो फॉर्मूला क्या है, डोजेस इक्वल टू mA इंटू टाइम। ये कैसे निकला देखें, यहाँ पे क्या है डोजेस का फॉर्मूला क्या है, डोजेस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, तो इंटेंसिटी को मिली एम्पियर में एंड ड्यूरेशन दैट इज टाइम। तो यहाँ पे यही चीज है कि मिली एम्पियर दैट इज इंटेंसिटी एंड टी फॉर दैट इज टाइम। तो क्या है कि टाइम को हम इधर कर देंगे तो ये डोजेस बाय मिली एम्पियर, तो डोजेस क्या है, डोजेस यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है और जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम इंटेंसिटी वो प्रीवियस जो न्यूमेरिकल इसमें से निकाला गया था कि 3 mA, तो टाइम क्या हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स कि 20 मिनट में, दैट मीन्स कि जो ये अगर इतना डोजेस देना है और इतना इंटेंसिटी 3 mA इंटेंसिटी अगर देना है तो कितना टाइम लगेगा फॉर द ट्रीटमेंट, तो 20 मिनट, तो दैट इज इट। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रोड है, देखें मेथड ऑफ इलेक्ट्रोड को जानने से पहले हम ये जान ले कि जो एंटीफोरेसिस होते हैं इसके पास दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होते हैं कमर्शियल इलेक्ट्रोड जो कि ऐसे होते हैं और दूसरे होते हैं ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोड जो कि ऐसे होते हैं। ये देखें ये ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोड होते हैं सिंपली कि इस तरीके से जो कि लिंट पैड होते हैं इस तरीके से, और जो ट्रेडिशनल ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोड और ये क्या हो गया कमर्शियल इलेक्ट्रोड। कमर्शियल इलेक्ट्रोड में मतलब कि ये सिंपली जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसके पास वो स्टिकी पैचेस होते हैं, मतलब कि वो जो भी स्टिकर टाइप का होता है कि स्टिकर निकाला और वहां पे लेकर के चिपका दिया, तो दैट इज इट। तो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जानने से पहले हम ये चीज जान लें कि व्हाट इज कमर्शियल इलेक्ट्रोड एंड व्हाट इज ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोड। तो यहां पे देखें कि जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोड क्या है, ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोड कैसा बना होता है, किस चीज का बना होता है, या तो टिन का, कॉपर का, लेड का, एल्यूमिनियम का, प्लैटिनम का, तो ये सब चीज का बना होता है एंड दैट इज पैक्ड बाय रबर एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय, किस चीज से कवर होता है, स्पॉन्ज से या फिर टॉवल से या फिर गॉज से, तो ये सबसे कवर होता है जो कि हमारे स्किन पे डायरेक्टली वो हम उसको कॉन्टेक्ट में रख सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो सपोज करें कि हम मेडिकेशन दे रहे हैं, तो मेडिकेशन या तो सोल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है या तो ऑइंटमेंट फॉर्म में भी
हो सकता है। तो अगर जो सोल्यूशन फॉर्म में हो सकता है, तो जो इलेक्ट्रोड है अगर वो एब्जॉर्बेंट इलेक्ट्रोड है, सॉरी जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल का बना हुआ है वो इलेक्ट्रोड, तो क्या करेंगे कि वो जो सोल्यूशन है तो सोल्यूशन को हम, वो जो इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड पे हम सोक कर सकते हैं। और अगर वो मेडिकेशन जो है, जो मेडिकेशन जो है वो ऑइंटमेंट फॉर्म में है, जब ऑइंटमेंट फॉर्म में है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वो स्किन है तो स्किन पे हम पहले रब कर देंगे और उसके बाद उस स्किन को हम एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जो इलेक्ट्रोड का जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है उसे हम कवर कर देंगे। तो दैट इज द ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोड। तो जैसे कि हम यहाँ पे ये भी देखें कि जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये किस चीज का एग्जांपल है, ये है आपका आंटोफोरेसिस का, ये ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये दिख रहा है ना ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोड। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कमर्शियल इलेक्ट्रोड। तो ये क्या है, कमर्शियल इलेक्ट्रोड है। तो जैसे कि हम आपको बताए थे कि जो कमर्शियल इलेक्ट्रोड होता है इसके पास ये क्या है, एक तरह का एक स्मॉल चैम्बर है कवर्ड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू व्हिच आयनाइज्ड सॉल्यूशन मे बी इंजेक्टेड। देखें तो इसमें क्या होगा कि आयनाइज सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है एंड दिस इलेक्ट्रोड इज सेल्फ एडहर टू द स्किन। देखें यहां पे देखें कि ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, इसके पास क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, हा? और ये क्या है कि इसके अंदर ये कैविटी है, जो इलेक्ट्रोड है इसके अंदर कैविटी है, हा? और यहाँ पे एक ओपनिंग दिया हुआ है और यही ओपनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे इंजेक्शन, इसमें इंजेक्शन के थ्रू इसमें ड्रग को डाला जाता है, इसमें डाला जाता है कि ताकि ये जो इलेक्ट्रोड है तो इसमें सोक कर जाए। अब सोक कर जाए तो, और उसके बाद यहाँ पे जो स्टिकी पैचेस होते हैं तो उसको हम ऐसे करके निकालेंगे और निकाल करके ये जो स्किन है तो स्किन पे हम इसको चिपका देंगे, स्किन पे हम स्टिक कर देंगे। दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड लिए, ये क्या है, कमर्शियल इलेक्ट्रोड है, एक है एनोड इलेक्ट्रोड और दूसरा है कैथोड इलेक्ट्रोड। और ये जो ये जो नीडल है, नीडल में क्या है, नीडल में क्या है, डेक्सामेथोन। सपोज करें कि डेक्सामेथोन जो है वो ड्रग हम लिए हैं नीडल में, तो अब चूंकि जो डेक्सामेथोसोन है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का है, जब नेगेटिव चार्ज का है तो कहां पे हम प्लेस करेंगे, नेगेटिव जो कैथोड इलेक्ट्रोड है, कैथोड इलेक्ट्रोड में हम इंजेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको बताया ना, कहां पे इंजेक्ट करेंगे, यहां पे इंजेक्ट किए हैं, है ना, तो वही चीज है यहाँ पे। देखें तो वो जैसे इंजेक्ट किए, किस में इंजेक्ट किए, कैथोड इलेक्ट्रोड में इंजेक्ट किए। किसको इंजेक्ट किए, डेक्सामेथासोन को। क्यों किए, क्योंकि सेम चार्ज होना चाहिए, लाइक चार्ज होना चाहिए कि ताकि वो रिपल्शन हो सके, ठीक। तो वो क्या होगा कि अब सपोज करो कि कोई पेशेंट है जिसका शिकायत है कि अ पेशेंट हैविंग टेंडिनाइटिस ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, बाइसेप ब्रेकाई का जो लॉन्ग हेड है तो उसमें टेंडिनाइटिस है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये क्या हो गया, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया और ये क्या हो गया, डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड हो गया। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड को हम वहीं प्लेस करेंगे ना जहां पे पेशेंट का सफरिंग है, जहां पे पेशेंट को दिक्कत है, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड को यहां पे हम प्लेस किए और जो डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड है उसको हम यहां प्लेस कर दिए, ठीक है। अब प्लेस करके फर्दर दैट इज इट कि मतलब ये क्या है कि कैसे हम प्लेस करते हैं कमर्शियल इलेक्ट्रोड को, वो चीज यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से थ्रू द थ्योरेटिकल पार्ट, कि किस तरीके से, व्हाट इज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहां पे देख लें मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में कि जो स्किन है, स्किन को सबसे पहले ऑब्वियसली क्लीन रखना पड़ेगा ही, तो स्किन शुड बी क्लीन्ड। और जो भी हेयरी स्किन है तो उसको हम शेव कर सकते हैं, क्योंकि ताकि वहां पे कोई भी रेजिस्टेंट डेवलप ना कर सके, वहां पे कोई भी इम्पिडेंस ना हो। उसके बाद फर्दर जो इलेक्ट्रोड है तो इट मस्ट बी प्रॉपर कॉन्टैक्ट विद द स्किन, ये तो नेचुरल से चीज है तो प्रॉपर कॉन्टैक्ट में होना ही चाहिए इलेक्ट्रोड को। फर्दर क्या बात करते हैं कि जो ऑइंटमेंट है, सॉरी जो आयन है, आयन अगर ऑइंटमेंट के फॉर्म में है और अगर सोल्यूशन के फॉर्म में है, अगर जो ऑइंटमेंट के फॉर्म में है आयन तो क्या होगा यहाँ पे, जब अगर ऑइंटमेंट के फॉर्म में है तो क्या होगा कि जो स्किन है तो स्किन पे हम सिंपली रब कर देंगे और उसके बाद जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, जो इलेक्ट्रोड का जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है उसको फर्दर हम कवर अप कर देंगे। लेकिन अगर वो जो आयन है वो सोल्यूशन फॉर्म में है तो जो इलेक्ट्रोड का जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, इलेक्ट्रोड का जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है तो वहां वो सोक कर लेगा, जो इलेक्ट्रोड का एब्जॉर्बेंट मटेरियल है वो सोक कर लेगा ना। जो आयन है सोल्यूशन फॉर्म में है तो इलेक्ट्रोड का एब्जॉर्बेंट मटेरियल सोक कर लेगा, अगर जो आयन ऑइंटमेंट फॉर्म में है तो उसको हम सिंपली पहले स्किन पे रब करेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि अप्रोप्रिएट आयन आर यूज फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। ओब्वियसली अप्रोप्रिएट आयन, हर एक कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आयन का इस्तेमाल होगा, अलग अलग ड्रग का इस्तेमाल होगा, तो अप्रोप्रिएट आयन शुड बी यूज्ड। इंटेंसिटी को हम ध्यान में रखेंगे कि कितना इंटेंसिटी होना चाहिए, ड्यूरेशन को हम ध्यान में रखेंगे कितना ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रिकॉशन नेचुरल सी बात है, प्रिकॉशन तो लेना ही लेना है टू प्रिवेंट फ्रॉम ट्रीटमेंट। अगर कोई एरिथमा हो जाता है, जो भी ट्रीटमेंट एरिया है वहां पे अगर एरिथमा हो जाता है, एरिथमा का मतलब क्या होता है कि स्किन रेडनेस, अगर रेडनेस हो जाता है तो वहां पे टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं,
कि बस ऐसे ही डायग्राम है, एंटोफोरेसिस का ये डिवाइस है और ये सब चीज है कि ये इसमें डिस्प्ले दिया है, यहाँ पे ये नॉब है और ये आपका ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोड है, ये दोनों ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोड है, ये पावर केबल है। तो ये सेम चीज है आपका जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि ये जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोड का है, तो वो चीज, तो दैट इज इट ऑफ द मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एंटोफोरेसिस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ एंटोफोरेसिस। एंटोफोरेसिस के इंडिकेशन की बात कर लें तो सबसे फर्स्ट क्या है, रिलीफ ऑफ पेन। तो होता क्या है कि अगर पेशेंट को इस्चीमिया होता है या फिर इन्फ्लेमेशन होता है, तो इस्चीमिया और इन्फ्लेमेशन के कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे उस एरिया में आयरन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, आयरन का जो अक्यूमुलेशन हो जाता है वो इंक्रीज कर जाता है, तो इंक्रीज कर जाता है तो उसके वजह से इस्चीमिया एंड इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो जो एंटोफोरेसिस है वो कैसे पेन को रिलीफ करेगा, वहां से जो आयरन है, आयरन का जो कंसेंट्रेशन है उसको रिमूव करके, उसको डिक्रीज करके इस्चीमिया और इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट आता है कैल्शियम डिपॉजिट। तो कैल्शियम डिपॉजिट अगर हो जाता है कहीं भी, कैल्शियम की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में एंटीफोरेसिस कैसे वर्क करता है, ये क्या करता है कि ये एसिटिक एसिड को ट्रांसफर करता है इनटू आर स्किन, इनटू आर टिश्यू, जिससे कैल्शियम का डिपॉजिट रिड्यूस हो जाता है एंड फर्दर पेन रिलीफ करता है। फर्दर आता है क्रॉनिक कंजेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। क्रॉनिक कंजेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जब ये जो क्रॉनिक कंजेशन हो जाता है, तो इन दैट केस जो पेशेंट है वो वेसोमोटर राइनाइटिस से सफर करता है। तो जो वेसोमोटर राइनाइटिस से सफर करेगा, तो इस कंडीशन में हम कैसे पेशेंट को रिलीफ करें, तो इसमें क्या होता है कि जिंक सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट जो ड्रग होता है, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे इन टू द कंजेस्टेड नेजल। जो कंजेस्टेड नेजल है ना, जो नाक है, नॉस्ट्रल है, तो नॉस्ट्रल में हम इसको हम ट्रांसफर करेंगे थ्रू कंजेस्टेड नेजल, जिससे हम जो पेशेंट है, पेशेंट जो कि ये वेसोमोटर राइनाइटिस है उसे जो सफर कर रहा है, तो वो उसमें रिलीफ पा सके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एडहेशन। तो एडहेशन में क्या होता है कि सिंपल जो रेनोटिन है, तो रेनोटिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे क्या होगा, जो एडहेशन है वो रिजॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्या है, आइडियोपैथिक हाइड्रोसिस। आइडियोपैथिक हाइड्रोसिस का मतलब क्या होता है कि दैट इज द हाइपर हाइड्रोसिस, दैट मींस कि एक्सेसिव स्वेटिंग इन पाम या फिर पाम में, सोल में, आर्मपिट में, तो वहां पे एक्सेसिव स्वेटिंग होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में हम या तो टैप वाटर का भी इस्तेमाल करेंगे इन केस ऑफ एंटोफोरेसिस, या फिर ग्लाइकोपाइरोनियम ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए हम लिग्नोकेन या फिर प्रोकेन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि लिग्नोकेन क्या है, लिग्नोकेन जो ड्रग है वो, इसका पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी। तो वो किस इलेक्ट्रोड पे प्लेस होगा, वो एनोड पे प्लेस होगा, क्योंकि उसके पास भी पॉजिटिव पोलैरिटी होता है, तो वहां पे प्लेस करके फिर लोकल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। हम एंटीबायोटिक को भी ये ट्रांसडर्मली हम स्किन में एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, थ्रू दी एंटोफोरेसिस। तो जो भी वेस्कुलर एरिया है, तो वहां पे हम डायरेक्टली हम एंटोफोरेसिस को हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडिमा रिडक्शन। एडिमा रिडक्शन में भी एंटोफोरेसिस हेल्पफुल है। कैसे, जो हाई यूरिनेटेज है ये क्या करेगा, ये एडिमा में हेल्प करेगा, एडिमा को रिड्यूस करेगा। लास्ट क्या आता है, न्यूरोजेनिक पेन। तो न्यूरोजेनिक पेन में जो भी क्रॉनिक पेन होता है, क्रॉनिक सिंड्रोम होता है, क्रॉनिक पेन सिंड्रोम होता है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हम जो विन का एल्कलॉइड भी ड्रग है, इसको हम एंटोफोरेसिस के थ्रू हम क्या करेंगे कि इसको हम एडमिनिस्टर करेंगे हमारे स्किन में, और फर्दर हम न्यूरोजेनिक पेन को हम रिलीफ पहुंचा सकेंगे। क्या है और भी क्या क्या चीजें, जैसे कि क्रॉनिक वुंड हीलिंग में भी हम जिंक एंटोफोरेसिस देंगे, फंगल इन्फेक्शन है उसमें भी हम कॉपर एंटोफोरेसिस देंगे, रिलीफ ऑफ पेन है उसमें हम सेलिसाइलेट का इस्तेमाल करेंगे। तो दैट इज ऑल द इंडिकेशन ऑफ क्या, एंटोफोरेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एंटोफोरेसिस। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब किस किस कंडीशन में हम एंटोफोरेसिस नहीं देंगे, नहीं अप्लाई करेंगे। तो ओपन वुंड में नहीं करेंगे, बर्न में नहीं करेंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन अगर है पेशेंट को तो उसमें नहीं करेंगे, कार्डियक पेसमेकर अगर लगा हुआ है तो उसमें नहीं देंगे, बोनी एरियाज में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एंटोफोरेसिस, इन्फेक्शन के कंडीशन में, स्किन लेशन के कंडीशन में, प्रेगनेंसी के कंडीशन में। प्रेगनेंसी के कंडीशन में सिर्फ कहां पे हम नहीं देंगे, जो पेल्विक एरिया है, दैट मीन्स कि अराउंड यूट्रस, तो वहां पे हम एंटोफोरेसिस नहीं देंगे। देन ड्राई स्केली स्किन के एरिया में भी हम नहीं देंगे एंटोफोरेसिस।
लास्टली बात करते हैं डेंजर. व्हाट इज द डेंजर ऑफ द एंटरोफोरेसिस? क्या क्या डेंजर हो सकता है? शॉक लग सकता है, बर्न हो सकता है, स्किन इरिटेशन हो सकता है, हेमेटोमा हो सकता है. कैसे कैसे? तो शॉक कैसे लग सकता है? या तो अगर जो फ्लोर है अगर वो वेट है, या फिर अर्थिंग ढंग का अर्थिंग नहीं है एपरेटस में, ढंग का अर्थिंग नहीं है तो उससे शॉक लग सकता है, या फिर जो पावर पॉइंट है उसमें कोई फॉल्ट है तो उससे शॉक लग सकता है, या फिर अगर कोई एमीटर है उसमें शॉक लग सकता है, या फिर करंट को हम अचानक से इंक्रीज या डिक्रीज कर दिए तो उससे भी शॉक लग सकता है ना. बर्न हो सकता है. बर्न कैसे हो सकता है? या तो जो मेटल है, मेटल को हम डायरेक्टली स्किन पे हम अगर लगा देते हैं तो उससे हो सकता है बर्न, या फिर स्किन लीशन है, या फिर ओवरडोज कर दिए तो उससे बर्न हो सकता है. स्किन इरिटेशन, अगर जो स्किन है वो हाइपर सेंसिटिव है टुवर्ड्स एनी केमिकल तो उससे स्किन इरिटेशन हो सकता है. हेमाटोमा, तो हेमाटोमा क्या होता है कि वैक्यूम पैड मे प्रोड्यूस हेमाटोमा इफ प्रेशर इज हाई. जो भी पैड्स होते हैं, जो पैड इस्तेमाल किया जाता है अगर वो वैक्यूम पैड है तो उससे क्या होगा, हेमाटोमा होने के चांसेस हो सकते हैं अगर उसका जो प्रेशर है वो हाई होगा. तो That is it all about the antiferous के सारे indication, contraindication, danger and all the topic of the antiferous.